आई एम गोइंग टू टीच यू वन प्रोग्राम इन ब्लू जे दैट इज ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग. दिस प्रोग्राम इज बेसिकली वेयर वी हैव यूज कंस्ट्रक्टर्स एंड वी विथ पैरामीटराइज. मीन्स कंस्ट्रक्टर इज ऑफ टू टाइप्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स वेयर वी हैव पास्ड नो पैरामीटर, एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मीन्स वेयर वी हैव पास्ड पैरामीटर. सो इट इज बेसिकली अ प्रोग्राम. क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड नाम का एक प्रोग्राम है वेयर वी हैव डिक्लेयर्ड सम वेरिएबल्स विच इज अ प्राइवेट डेटा टाइप, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे हमने यूज किया है. तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. पब्लिक वी आर यूजिंग वेयर वी हैव टू राइट द मेथड, एंड प्राइवेट वी आर यूजिंग टू डिक्लेयर द इंस्टेंस वेरिएबल और रिक्वायर्ड वेरिएबल. सो हियर वी आर डिक्लेयरिंग अप्रॉक्स 6 to 7 वेरिएबल्स, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सिटी, सैलरी, ग्रॉस पे, DA, HRA, PF एंड नेट पे. दिस इज अ प्रोग्राम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट DA, HRA, PF फ्रॉम द ग्रॉस पे. मीन्स एन एम्प्लॉय इज गेटिंग सम पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम विच वी हैव टू कैलकुलेट DA, HRA एंड PF. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिक्लेयर्ड द वेरिएबल्स. स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और सिटी ले रहे हैं. डबल डेटा टाइप यूज हो रहा है टू टेक सैलरी, ग्रॉस पे एंड DA, HRA. एम्प्लॉयड नाम का एक कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे हमने पैरामीटर्स को पास किया. एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू नेम, एड्रेस इक्वल्स टू दिस एड्रेस एंड सिटी इक्वल्स टू दिस, सैलरी इक्वल्स टू दैट मच. सो हमने क्या किया, जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया उसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर हम उसको पास कर रहे हैं. हम एक दूसरा मेथड बनाते हैं आउटपुट डेटा, जिसमें हमें जो जो आउटपुट दिखाना है हम उसको मैसेज में लिख देते हैं. एज यू नो दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज. सो व्हाट मैसेज वी हैव टू प्रिंट, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एड्रेस, सिटी एंड बेसिक पे. आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट DA. हियर आई हैव पास द दिस इज एम्प्लॉय क्लास जो हमने पहले क्रिएट किया था, हम उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं. DA इक्वल्स टू सैलरी का 35%. DA कैसे निकलेगा, सैलरी का 35%. 35% को वी कैन राइट 0.35, देन वी विल प्रिंट द मैसेज DA इक्वल्स टू दैट मच. वट एवर विल कम हियर दैट विल बी प्रिंटेड हियर. वी विल यूज अनदर मैथड कैलक्यूलेट HRA. अगेन वी आर पासिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट X. HRA वी आर कैलक्यूलेटिंग दैट इज सैलरी. HRA इज 0.1% ऑफ सैलरी. सो वी विल गेट द मैसेज HRA इक्वल टू डैट मच. देन PF डिडक्शन सैलरी का 12%. एंड देन कैलकुलेट ग्रॉस पे. वॉट इज ग्रॉस पे, ग्रॉस पे इक्वल्स टू सैलरी प्लस HRA प्लस DA. सो वी विल प्रिंट ग्रॉस पे इक्वल्स टू डैट मच. नाउ नेट पे, नेट पे क्या होगा, ग्रॉस पे जो होगा उसमें PF माइनस कर देंगे. सो दीज आर द फॉर्मूला. नाउ एट द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल नाम का एक क्लास बनाया जहाँ पे हम सारे मेथड जो हमने यूज किए थे उसको हम कॉल कर रहे हैं. सो एम्प्लॉयड एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय. दिस लाइन इज यूज टू कॉल द मेथड वट एवर वी हैव यूज टू कॉल द क्लास. कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है कि कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर मैथड. एम्प्लॉय नाम का हमने ऊपर में कंस्ट्रक्टर मैथड यूज किया है और हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और हम उसको कॉल कर रहे हैं. कैसे कॉल कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय. न्यू कीवर्ड इज यूज टू मेक अ कंस्ट्रक्टर, न्यू कंस्ट्रक्टर. उसके बाद हम एम्प्लॉय जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसके थ्रू हम सबको कॉल कर रहे हैं जो भी मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है. वो आउटपुट डेटा कैलकुलेट DA, कैलकुलेट HRA, कैलकुलेट क्रॉस पे, PF डिडक्शन एंड कैलकुलेट नेट पे. सो यू नीड टू पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हियर इनसाइड ऑल द मेथड्स एक्सेप्ट आउटपुट डेटा. सो दिस इज द प्रोग्रामिंग टू कैलकुलेट नेट पे, PF, HRA, DA इफ यू हैव गिवन सम पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू अंडरस्टैंड.